अरुण जेटली मानहानि केस में पहले ही मुश्किलों में फंसे अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी के एक और नेता ने मानहानि केस किया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य अंकित भारद्वाज ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का दीवानी मुकदमा किया है। दीवानी मुकदमे में कहा गया है कि कपिल मिश्रा से मारपीट मामले में अंकित भारद्वाज केजरीवाल और संजय सिंह पर 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सामने वाले पक्ष की क्षमता इतनी बड़ी रकम देने की है भी या नहीं, इसलिए वो केवल 1 रुपए की मानहानि का केस कर रहे हैं। अंकित का कहना है कि उनका मकसद मुकदमा दर्ज कर रुपए कमाने का नहीं है, बल्कि वो दोनों आरोपियों को उनकी गलती का एहसास कराना चाहते हैं। अंकित भारद्वाज की याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा मीडिया में ये झूठा बयान दिया गया कि 10 मई को अंकित भारद्वाज ने कपिल मिश्रा से मारपीट की, जबकि सच ये है कि कपिल मिश्रा से आपके ही किसी नेता ने मारपीट की थी। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये बात लिखी गई कि अंकित भारद्वाज ने कपिल मिश्रा से मारपीट की और केजरीवाल ने इन्हें रीट्वीट भी किया। इस मामले में अंकित भारद्वाज ने केजरीवाल और संजय सिंह को लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर मुकदमा किया जा रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।